हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये दोपहर का टाइम है, 2 बजने वाली हैं और 2 दिन से मैं डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ बिल्कुल भी। त्योहार है और इस त्योहार में हमारा क्या त्योहार, अभी हम लोग बिल्कुल भी कुछ त्योहार नहीं मना रहे हैं, तो डिप्रेशन में हूँ मैं भी हूँ, शिप्रा भी है डिप्रेशन में और कुछ बनाया भी नहीं हमने होली में और बस ठीक है ऐसे ही टाइम निकल रहा है। लेकिन अभी बेटी का फोन आया जयपुर वाली का कि मम्मी डिप्रेशन से बाहर आओ और कुछ करो, ऐसे कहाँ तक पड़े रहोगे। तो फिर मैं आई और किचन में आ गई और जो मैंने एलोवेरा निकाले थे उस दिन और आपसे कहा था कि वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी आपको इसका उपयोग बताऊंगी, क्योंकि ये बड़े बड़े सूख रहे हैं और मेरा दिमाग इतना खराब हो रहा है कि वीडियो बनाने की इच्छा ही नहीं है। लेकिन जब बेटी मेरी बहुत मोटिवेट करती है और कुछ कमेंट्स आप लोगों के पड़े हैं जिसमें मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक बबीता जी हैं, उनका भी काफी बड़ा कमेंट आया था, कविता जी का भी आता है और सबका भी आता है, नाम मुझे याद नहीं, सबके अच्छे कमेंट्स आते हैं। मैं उनका जवाब तो नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि कम चलाती हूँ मैं मोबाइल, तो बस ठीक है उस आपके कमेंट को लाइक जरूर कर देती हूँ लेकिन उनका जवाब नहीं दे पा रही हूँ बिल्कुल भी। तो आपको थैंक्स कहती हूँ मैं, रूबरू होके थैंक्स कहती हूँ। ना आप लोग तो मुझे देख सकते हैं, मैं तो आप लोगों को देख भी नहीं सकती, लेकिन इतना प्यार आप लोग देते हैं मुझे और शिप्रा को और हमारी सारी फैमिली को प्यार देते हैं और हमें मोटिवेट कर रहे हैं छोटे होके हमसे, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इतने मतलब आप सब लोग मेरी फैमिली हो गए हैं सभी लोग और मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन जो दुख है उससे मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, ना शिप्रा आ पा रही है ना मैं आ पा रही हूँ, फिर भी मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं। तो सांस तो मेरी फूलती है, इस कारण कुछ तो डायबिटीज ज्यादा हो जाती है और कुछ टेंशन से हो जाती हूँ मैं ऐसी। जब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है तो मैं बोल भी नहीं सकती, ये मेरी हालत होती है, बस मैं पलंग में लेटी रहती हूँ, ना मेरा कोई काम करने की इच्छा होती है ना कुछ होता है, मुझसे कुछ काम भी नहीं होता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। अभी बहू की छुट्टी है तो वो काम कर रही है, 2 दिन से वो ही संभाल रही है काम को, कुछ भी काम नहीं हो रहा है मेरे से। तो अभी मैं उठी, बेटी के कहने से उठी हूँ और काफी देर उसने मुझे समझाया, शिप्रा को भी समझाती है, लेकिन शिप्रा तो नहीं उठ पा रही है बिल्कुल भी, डिप्रेशन से बाहर नहीं हो पा रही वो, उसको टाइम लगेगा, टाइम तो मुझे भी लग रहा है निकलने में, डिप्रेशन से बाहर निकलने में, लेकिन फिर भी कुछ करने से थोड़ा मन लग जाता है। तो मैं आपको इसका जो जेल निकालना होता है वो बता रही हूँ, उसे मैंने उस दिन कहा था आपको वीडियो में कि उससे हमारे चेहरे के जो दाग धब्बे होते हैं वो सब साफ हो जाते हैं, पिंपल्स वगैरह भी जो होते हैं वो भी साफ हो जाते हैं। तो मैंने एक बार पहले भी आपको बताया होगा कि हमारे ऊपर किराएदार रहा करते थे, लड़के थे, इंजीनियर कॉलेज के लड़के थे, क्योंकि पास में इंजीनियर कॉलेज है हमारे इधर, तो यहाँ पे किराएदार आया करते थे मेरे जब बेटे की शादी हुई थी, तो एक लड़का रहता था, मैंने पहले भी बताया था कि गोरा चिट्टा लड़का था बेचारा, लेकिन उसके बहुत ज्यादा मुहासे थे चेहरे पे। तो मैंने उसको एक दिन बोल दिया था कि इतने ग्वार पाठे लगे हुए हैं मेरे, तो क्यों नहीं लगाता है, तो उसने मेरी बात मान ली होगी। मैंने उसको लगाते तो नहीं देखा, लेकिन जब मैं छत पे जाती थी कभी तो देखा छोटे छोटे टुकड़े इसके किए हुए पड़े रहते थे मेरे गमलों में, तो फिर पता लगा कि उसने लगाए चेहरे में, उस लड़के ने इनको छोटे छोटे टुकड़े करके उसने अपने चेहरे पे लगाए और उसका चेहरा एकदम साफ हो गया। जब वो यहाँ से गया उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, एकदम गोरा चिट्टा उसका चेहरा निकल गया, नहीं तो उसकी जो फुंसी थी तो वो फूटती भी रहती थी, खून भी निकलता रहता था, वो कुछ भी उसके नहीं रहा। और वो जब मेरे यहाँ से गया तो बिल्कुल चेहरा उसका साफ था। तो मैं इसका
जो जेल है वो निकाल के बता रही हूँ। इसकी जो ये चारों तरफ के तीनों दोनों तरफ के कांटे हैं वो निकाल देने, यहाँ का पीला रस है वो भी निकाल देना है। ये जहरीला होता है, इसको ऐसे खड़ा कर दें थोड़ी देर निकालने के बाद, और फिर इसको धोके साफ करके इसका जेल निकाल दे। तो बस इसका जेल निकालना बता रही हूँ, और एक इसका तेल बनाना निकालूंगी। तेल में भी आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने और फिर उसको तेल में उबाल लेना है। दूसरी बात, अगर आप चाहें तो इसकी केवल ऊपर की पत्ती उतार के, जो छिलका है पत्ती का वो उतार के, इसमें हल्दी लगा के और फिर भी चेहरे में आप इसको मल सकती हैं, तो चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो देखिए इसका जेल कैसे निकालती हूँ। देखिए मैंने दोनों तरफ की इसके कांटे निकाल दिए हैं, और ये कुछ मैंने काट भी लिया है, ऊपर की जो पत्ती है वो निकाल ली है, तो इसका जेल ऐसे निकल जाएगा। ये मेरी सूख गई है पत्तियां, इसलिए इतना नहीं निकलेगा, ताजी पत्ती में बहुत निकलता है ये। और ये देखिए फिर भी निकल रहा है, और इसको मैं एक बाउल में निकाल देती हूँ। ये केवल ऊपर की पत्ती भी हटा के हम निकाल सकते हैं, दोनों तरफ की ना भी काटें तो भी चलेगा। आप ऊपर की पत्ती को निकाल के छिलके को, और फिर इसका जेल निकाल लें। छिलका बिल्कुल निकाल लें पीछे से भी, थोड़ा बहुत रह भी जाता है ना, तो ये मिक्सी में आप घोल लें इसको, तो ये बिल्कुल खुल जाएगा। मिक्सी में घोल लें इसको, और ये आप चेहरे पे ऐसे भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको हल्दी मिला के भी लगा सकती हैं, और नहीं तो आप ये जो छिलका है इसको हटा के और इस पे हल्दी लगा लें, और इसको चेहरे पर मल लें। इस तरह से हल्दी लगा के इसमें ऐसे ऐसे मल सकते हैं, तो ये इस तरह से आपका जेल निकल जाएगा। और इसको चम्मच से घोल लें या फिर मिक्सी में घोल लें, तो बिल्कुल इसका जो जेल है वो निकल जाएगा। और इसको चेहरे पे लगा लें आप, 15 मिनट के लिए लगाएं इसको चेहरे में, और फिर धो लें। आप चाहें तो आपको रात को टाइम हो तो रात को भी लगा सकती हैं, या नहाने से पहले भी लगा सकती हैं, और चाहे तो आप दोपहर में भी लगा के और बाद में उसको धो लें। तो ये देखिए इससे आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए चम्मच से घोल लीजिए इसको बिल्कुल, जो पत्ती रह गई वो निकाल दीजिए इसकी। ये थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकती हैं आप इसमें, और आपका चेहरा एकदम साफ हो जाएगा, कलर एकदम साफ हो जाएगा, और चेहरे के जितने भी दाग धब्बे हैं वो दूर हो जाएंगे, सब हट जाएंगे आपके चेहरे के दाग धब्बे। लेकिन करना है थोड़े दिन, ऐसे नहीं कि एक दिन में ही हो जाएगा, आपके 10-15 दिन में आपका चेहरा बिल्कुल निखर जाएगा और त्वचा बिल्कुल नरम हो जाएगी आपकी, जो चेहरे की स्किन है वो बिल्कुल मुलायम हो जाएगी। तो आप ग्वारपाठे का आप पौधा घर पे लगाए रखें या फिर बाजार से ले लें, मेरे छत में तो बहुत सारे ग्वारपाठे लगे हुए हैं, एलोवेरा, इसे ग्वारपाठा भी बोलते हैं। इसी तरह इनके टुकड़े करके और इसे तेल में भी उबाल सकते हैं हम, अभी दिखाती हूँ तेल में कैसे उबालेंगे हम।
तो मैंने आपको इसकी पत्ती निकालनी बताई, ऊपर से बिल्कुल पत्ती काट लेनी है और उसके बाद इसके टुकड़े कर दें आप ऐसे, और गरम तेल में इसको डाल दें, छोटे टुकड़े कर लें इसके, और तेल को काफी देर तक उबाल लें आप, 10-15 मिनट तक उबाल लें इसको तेल को। ये नारियल का तेल है, नारियल के तेल में या जो भी आप तेल लगाते हैं उसमें से उबाल लें, काफी देर तक उबाल लें, और फिर इसको छान के रख लें किसी भी बोतल में, कांच की बोतल में या जो भी आपके पास बोतल है उसमें इसको छान के रख लें, काफी देर उबाल लें इसको, 5-10 मिनट के लिए उबाल लें। तो ये तेल उबलता है जितने आपसे बात कर लूं, तो आप में से किसी ने पूछा था कि इसकी सब्जी खारी नहीं बनती है क्या, तो इसकी सब्जी खारी नहीं बनती है। जब हम इसकी सब्जी बनाते हैं सब्जी की तरह ही सब्जी बनाए, बस उसमें काजू किशमिश डाल लें, बादाम डाल लें, ड्राई फ्रूट्स डाल लें, और फिर थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल दें, और खटाई जरूर डालें, चाहे तो नींबू की खटाई डालें, चाहे तो अमचूर की खटाई डालें, और या फिर गुड़ नहीं है तो आप चीनी डाल दें, और जो चीनी और गुड़ की मिठास इसमें होगी ना, वो सारी इसके अंदर रम जाएगी, तो ये सब्जी बड़ी अच्छी बनती है दाना मेथी के साथ। मैंने आपको इसकी कई बार रेसिपी दे रखी है, तो आप मेरी वीडियोज में जाकर देख सकते हैं इसकी जो सब्जी की रेसिपी, वो भी मैंने दे रखी है, और खारी नहीं बनती है ये सच। तो मेरा तेल तैयार हो गया है, मैं इसको ठंडा करके छानूंगी और किसी भी छोटे जार में भर दूंगी, और जब रात को चाहूंगी तो मैं रात को लगा लूंगी, क्योंकि बाल बहुत झड़ रहे हैं। हमने मेथी के तेल को तो तीनों ने यूज कर लिया, जागृति ने, मैंने और शिप्रा ने, अब हम एलोवेरा के तेल को भी यूज करेंगे। और जो ये रेमेडी मैंने बनाई है, इसकी मतलब जो जूस निकाला है और हल्दी मिलाई, ये भी हम चेहरे पर अप्लाई करेंगे। हम लोग खुद अप्लाई करते हैं तब ही आपको बताते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहता है, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, आप इसे जरूर लगा कर देखिएगा। तो ये तेल उबल चुका है और मैंने गैस बंद कर दी है, और इस तेल को मैं अब छान दूंगी, छान के और किसी जार में भर दूंगी। तो जब ये ठंडा होगा तो इसको मैं किसी कांच के जार में भर दूंगी, और इसको भी मैं भर के फ्रिज में रख दूंगी, तो ये हमारे 2-3 दिन चल जाएगा, थोड़ा सा ही लगाना पड़ता है इसे। तो ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं।